जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ, तो पुलिस वेरिफिकेशन में फिर बात मेरे पास काफ़ी मैसेज आने लगे कि सर हम पुलिस वेरिफिकेशन अभी करवा लें क्या, या पुलिस वेरिफिकेशन अभी ज्वाइनिंग लेटर के आने से पहले करवा लें, या ज्वाइनिंग लेटर के आने के बाद करवाएं, या पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करवाएं, या कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट है वो कैसे बनवाएं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने का सही तरीका क्या है एक बार आप बता दीजिए। तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपके पुलिस वेरिफिकेशन से, कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट है वो कैसे बनवाना है, और ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में होगे या पहले। तो दोस्तों सबसे पहले तो पुलिस वेरिफिकेशन, आप इसके लिए गलत बोलोगे कि पुलिस वेरिफिकेशन हम करवा लेंगे, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन आप नहीं करवाओगे, वो पुलिस वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट करवाएगा, वो तो बाद में करवाएगा जब आप ट्रेनिंग में चले जाओगे। वो कब होगा उसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि जिस जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके आप मान के चलिए उसके 5 या 6 महीने बाद में आपके घर पर पुलिस वेरिफिकेशन होगी। लेकिन हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो आप ही करवाते हो। वो कैसे करवाते हैं तो इसके बारे में हम बाकी चर्चा करेंगे। साथ ही बता दें जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है फौजी मेहत अकेडमी, अगर आप अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली नई वैकेंसियों के बारे में उधर पूरी अपडेट देता रहता हूँ मैं। साथ ही मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप नहीं जुड़े तो अभी उससे जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लाने वाला हूँ, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आप तैयारी कर रहे हो आने कुछ एग्ज़ामों की तो आपके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि जो पुलिस वेरिफिकेशन या जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो कैसे बनता है और कब बनता है, या पुलिस वेरिफिकेशन अभी आप करवाओ या ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट्स की पूरों की बात कर लूँ मैं, सभी डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि बार बार मेरे को कमेंट फिर आने लग गए हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, इधर भी आपके काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना के आपको अच्छे से फिर से बता दूँ कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना। सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार करना है। देखिए, जो मैंने मेरा ज्वाइनिंग लेटर दिखा के आपको वीडियो बना रखा है, मैं एंड पे भी लगा दूंगा, आप एक बार वापस उसको देख लेना कि ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप कंप्लीट करवा लो, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ अटैच भी आ सकते हैं, या अगर ऑनलाइन अगर ज्वाइनिंग लेटर आता आपका, इस बार ज़्यादा चांस है कि ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेटर आए, लेकिन ऑफलाइन भी आएगा, इसमें कोई शक नहीं कि ऑफलाइन नहीं आएगा, ऑफलाइन भी आएगा और ऑनलाइन भी आ सकता है। तो अगर ऑनलाइन अगर सर्टिफिकेट आए तो उसके साथ में, अगर मान लो उनकी तरफ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट के 2 फॉर्म अगर उसके साथ में अटैच आए कि आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कंप्लीट करवा के लाने हैं, तो किस प्रकार से करवाने, तो वो बाद में का काम है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स का, जो मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, आई बटन में भी मैं दे दूंगा वीडियो, आप एक बार जरूर जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने अपना खुद का ज्वाइनिंग लेटर दिखाया है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो पूरी पूरी डिटेल है, तो उसमें आप देख लीजिए एक बार। वो डॉक्यूमेंट्स, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करके रखने हैं पहले से। होगा क्या कि इस बार आपको पता है कि ज्वाइनिंग, पिछली बार जैसे मैंने कहा कि 25 दिन का 30 दिन का टाइम मिला था हमको, तो हो सकता है कि आपको भी 25 से 30 दिन का टाइम मिले, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मिले ही, 15-20 दिन का टाइम मिलेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ पहले, कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आप 10th क्लास पास से लग रहे हैं, तो वहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट से आपका काम बन जाएगा, इसके ऊपर आपको मार्कशीट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ामों की आप तैयारी करने वाले हो दोस्तों, आप यहीं पर रहने वाले नहीं हो, आप आने वाले एग्ज़ामों की आपकी शुरुआत है, ठीक है। तो आने वाले एग्ज़ामों की आप तैयारी करने वाले हो, तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना विशेष कि आपको वहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट लगानी है, उसके अलावा आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 10th क्लास की वैकेंसी है, आपका 10th क्लास से काम हो जाएगा, ये बेस्ट रहेगा आपका, क्योंकि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर ज़्यादा जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, फोटोकॉपी अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो वो तो हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करें कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे आते हैं पहले, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर मान लो ज्वाइनिंग लेटर के साथ में अटैच आता है, या आपको ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ आता है कि आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाना पड़ेगा, आई थिंक कि 100% ज्वाइनिंग लेटर के साथ अटैच आएगा, तो उसको कैसे बनवाना है, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, अगर वो अटैच आता है या अटैच नहीं भी आता है, अगर उसमें लिखा हुआ आता है तो आपको क्या करना है कि जो आपका साइबर कैफे वाला है उसके पास में बोलना है कि मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, एक तो पुलिस का और एक SDM का। 2 प्रकार के कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको उसमें लेके जाने पड़ेंगे, एक तो पुलिस वेरिफिकेशन का और एक SDM जो सेशन कोर्ट होता है उसका, ठीक है। ये 2 प्रकार के, या तहसीलदार है तो तहसीलदार का, ये 2 प्रकार के SDM आपकी जो तहसील होगी उसमें से एक लेके जाना पड़ेगा। तो जो पुलिस वाला है उसमें क्या होगा कि आपका जो साइबर कैफे वाला वो फॉर्म फिलअप करेगा, फिर आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में जाके उनको बताना पड़ेगा कि मेरा ऐसा ऐसा है और मैं नई जो भर्ती हुआ हूँ उसके लिए मेरे को ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो क्या करते हैं, उसमें 1 से 2 दिन का टाइम लेते हैं, वो ऊपर जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है वहाँ पर भेजते हैं, वहाँ से आपकी इंक्वायरी हो जाती है कि इस पर कोई पुराना आपराधिक मामला तो नहीं है। तो इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि अगर आप पे कोई केस हो रखा है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कि केस कोई आपराधिक मामला नहीं है। आपराधिक मामला का मतलब तभी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब आप पे कोई भी पनिशमेंट दिया हुआ है कोर्ट से,
चाहे वो किसी भी प्रकार का अगर पनिशमेंट है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पे किसी ने केस कर दिया है तो उस पर वैसी कंडीशन में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल मिल जाएगा दोस्तों अगर आप पे केस हो रखा, क्योंकि केस तो कोई भी कर सकता है अभिव्यक्ति के नाम पे, अपमानित के नाम पे। अगर आप, मैं भी अगर आपको बोल रहा हूँ आप भी अभी मेरे पे केस कर दोगे कि भाई इन्होंने ये बात गलत बोली है, केस मार दो, तो हो सकता है, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको, इसीलिए उसके लिए चिंतित नहीं होना। तो वहाँ पर आपका जाएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका चेक हो जाएगा बायोडाटा, और 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाता है। जैसे ही वापस आता है साइबर कैफे वाला उसको कंप्लीट करके आपको बोलेगा कि आप पुलिस स्टेशन से ले लीजिए, तो आप पुलिस स्टेशन में जाना और आपका सर्टिफिकेट लेके आ जाना। दूसरा जो सर्टिफिकेट है वो कैसे बनता है, उसमें भी आपकी जैसे पूरी डिटेल भर दी और आप तहसील में जाके वो जमा करवाते हो, जो SDM होता है वो आपको एक गवाह की ज़रूरत होती है, जिसको SDM साहब भी अच्छे से जाने और आप भी अच्छे से जानो, मतलब कोई भी एक गवर्नमेंट पदाधिकारी, जैसे अगर आपका सरपंच है तो सरपंच, अगर आपका कोई नगर पालिका चेयरमैन है तो नगर पालिका चेयरमैन, या कोई अध्यक्ष है या कोई टीचर है, तो उसका उसके लिए ज़रूरी होता है कि SDM साहब आपको, उसको भी जाने और आप भी उसको जानो, मतलब वो आपके बीच में बिचौलिया का काम करेगा, मतलब कि आप दोनों उसको जानते हो। अब इसमें कई लोग बोलते हैं कि सर हमारे तो सरपंच से नहीं बनती, हमारे तो उससे नहीं बनती, तो वो उसका काम है, उसको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए वो बाध्यता, आपको मना नहीं कर सकता इसके लिए कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर नहीं भी जानते तो ज़रूरी नहीं, अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है तो उससे भी ये काम हो सकता है, क्योंकि SDM साहब को ये गवाही देने वाला चाहिए कि हाँ मैं इस बंदे को जानता हूँ, जैसे इसका नाम यही है और ये यहीं का रहने वाला है, इस मतलब इसको मैं पूर्ण रूप से अच्छी तरह से जानता हूँ, इसके लिए वो गवाही देता है कि जो ये आप इसमें नाम लिखा हुआ, जैसे मुकेश, रमेश, दिनेश, महेश, तो जो नाम लिखा हुआ है उस नाम वाला ही ये बंदा है, या लड़कियों का रमकू, जमकू, जो भी नाम है वो नाम लिखा हुआ है कि हाँ मैं जानता हूँ कि भाई रमकू देवी है या जमकू देवी है, तो ये पक्की है और ये पक्की अब भोजन बन गई है, तो मैं इसको जानता हूँ, जिस तरह से वो सील मारने वाला चाहिए, तो जैसे ही आपकी वो सील लगा देगा तो उनके लिए गवाह के रूप में उनका साइन हो जाएगा और वो आपको साइन करके दे देंगे। इस पूरी प्रोसेस में आपको 1 से 2 दिन या 3 दिन का समय लगेगा, इसलिए अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू वेट फॉर ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। तो ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार करना, उसके अलावा आप कोई चिंतित नहीं करना। अब आप पे एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हमको डर लग रहा है कोई हम पे केस कर देगा, या कोई केस करके हमसे पैसा मांग रहा है। अब मानोगे नहीं, ऐसा भी मेरे पास में इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, मैंने उधर रिप्लाई नहीं किया क्योंकि बहुत मैसेज आ रहे, पढ़ लेता हूँ मैं फिर इधर एक साथ कर देता हूँ। तो कहा आप केस करके हमसे पैसे मांग रहे हैं कि इतने पैसे दो नहीं तो हम केस कर देंगे, तो उनको बोलो केस कर दो तुम, ठीक है, लेकिन आपको पनिशमेंट नहीं देगा इसमें, वो फालतू को केस करने से कुछ नहीं होगा, केस करने से आपका बाल भी बांका नहीं होगा जब तक आपको कोर्ट कोई पनिशमेंट नहीं देता दोस्तों। तो इसलिए आप चिंतित ना रहे, और इस प्रकार से आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, जो फर्स्ट वाली होगी वो इस प्रकार से होगी, और जो सेकेंड वाली पुलिस वेरिफिकेशन होगी वो मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, वो आप पुलिस वेरिफिकेशन वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से वो पुलिस वेरिफिकेशन होती है दोस्तों। जय हिंद।